हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल की तरह चलते हैं आज की टेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट की एक अमेजिंग और ब्यूटीफुल सिटी के सिनेमैटिक और इन्फॉर्मेटिव टूर पर, जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट नाम से मशहूर पुणे सिटी को। पुणे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया की एक ऐसी सिटी है जिसने पिछले कुछ सालों में अपनी आईटी इंडस्ट्री के साथ ऑटोमोबाइल और एजुकेशन सेक्टर में मैसिव ग्रोथ अचीव की है। यहाँ कई बड़ी आईटी कंपनीज ने अपने ऑफिसेस सेटअप किए हैं। वहीं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी ये शहर काफी आगे है, जिसके कारण इस शहर को महाराष्ट्र का ऑटोमोबाइल हब भी कहा जाता है। पुणे में कई स्टार्टअप्स भी हैं जो इनोवेशन और ग्रोथ के लिए शहर को एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अपनी वाइब्रेंट इकोनॉमी की वजह से आज पुणे करीब 70 बिलियन डॉलर के साथ जीडीपी के मामले में इंडिया के टॉप 10 शहरों में आता है। मुंबई के बाद ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख यानी 4 मिलियन के करीब है। और पहाड़ों से घिरा 516 स्क्वायर किलोमीटर में फैला पुणे एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जिसका मौसम बहुत अच्छा रहता है, जो इसे यहाँ रहने के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों के लिस्ट में शामिल करता है। पुणे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत ही फेमस है। यह देश के कुछ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, इसलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुणे में दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पुणे की ग्रोथ का मेन फैक्टर है यहाँ की लोकेशन और टाइम के साथ इम्प्रूव होता यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस वजह से आज शहर में अच्छे रोड्स, फ्लाईओवर के अलावा मेट्रो नेटवर्क के साथ एयरपोर्ट भी है, जो इस शहर को देश और दुनिया के अलग अलग शहरों से कनेक्ट करता है। टाइम के साथ इस शहर में काफी चेंजेस आए हैं। पुराने समय में इस शहर को पूना के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत 8th सेंचुरी में हुई थी, जब ये एक छोटा सा शहर था। और 17th सेंचुरी में ये मराठा एम्पायर का पावर सेंटर बना। वैसे आज पुणे एक वाइब्रेंट शहर है, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशंस को साथ लेकर चल रहा है। यहाँ इस शहर में शनिवार वाड़ा, आगा खां पैलेस और सिन्हागढ़ फोर्ट जैसे हिस्टोरिक प्लेस हैं, जो इसके महत्वपूर्ण इतिहास की एक झलक प्रदान करते हैं। अंत में बात करें तो पुणे अपने रिच कल्चरल हेरिटेज से लेकर मॉडर्न एमिनिटीज तक एक ऐसा शहर है जहाँ हर किसी के लिए यहाँ रहना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपने शहर का वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने शहर का नाम कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पुणे सिटी जो एरिया को लेके महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है, और अपनी आबादी को लेके मुंबई के बाद ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर और 8वें नंबर पर आता है पूरे भारत की बड़े शहरों की फहरिस्त में। इसके साथ साथ इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और वीडियो में कहे थे कि यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरे भारत के सबसे बेहतरीन तलीमी अदारे भी देखने को मिलते हैं। और इस शहर का लिटरेसी रेट वैसे तो बताया नहीं जा रहा था, लेकिन ये कम अज़ कम 80% से ज़्यादा ज़रूर होगा। पुणे रहने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त शहर है, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, और इसका पुराना नाम पुणे होया करता था, जिसका मतलब है कि दो दरियाओं के दरमियान की जगह। तो आज ये एक खूबसूरती के लिहाज से एक बड़ा ही ज़बरदस्त शहर है, और अपने माहौल के लिहाज से भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त शहर है, और इसे शॉपिंग की जन्नत भी कहा जाता है। और यहाँ से आपको मुंबई के रहने वाले लोग भी पुणे में शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे। और मुंबई से पुणे आमदोरफ्त भी अच्छी खासी आसान है, कोई सिर्फ 150 किलोमीटर का सफ़र है, जो बेहतरीन नज़ारों के साथ बहुत आसानी के साथ किया भी जा सकता है। तो पुणे एक बहुत ही ज़बरदस्त शहर है, और 1848 में हिंदुस्तान का पहला लड़कियों का स्कूल भी पुणे शहर में कायम किया गया था। तो पुणे शहर की तालीम से मोहब्बत रखने की रवायत आज नहीं बल्कि सदियों से पुरानी है। और वीडियो कह रहे थे कि कभी ये 7वीं या 8वीं सदी में जब इस शहर को बनाया गया था तो एक छोटा सा शहर था, और 16वीं या 17वीं सदी में जब मराठा एम्पायर एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर फैल गई थी, तो उस वक्त ये शहर छत्रपति शिवाजी महाराज का दारुलहुकूमत हुआ करता था। तो बड़ा ज़बरदस्त शहर है पुणे शहर। और अपने और एक पुणे शहर का एक और फैक्ट भी
पता लगा है कि ये शहर है, इस शहर में लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं जो कैफ़े की सूरत में कायम की गई हैं और पब्लिक लाइब्रेरी को एक कैफ़े की सूरत में कायम किया गया है। यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, ग्रीनरी देख के और सफाई देख के भी अच्छा लग रहा था, और यहाँ पर कारोबार भी बहुत ज़्यादा है। 75 बिलियन डॉलर की इस शहर की GDP है, जिसमें IT कंपनी, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बुनियादी हाथ है, और यहाँ पर रोज़गार के भी अच्छे खासे मौके हैं इतने सारे असबाब होने की वजह से। बाकी पुणे शहर देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर बता रहे थे कि मशहूर जगह हैं शनिवार वाडा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगी थी और किले का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल के खाकस्तर हो गया था, और आज भी एक जगह ऐसी है जहाँ पर एक मखसूस रात में कुछ डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। अब ये बात कितनी की कहता है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि पुणे महाराष्ट्र का बल्कि पूरे ही भारत का एक बेहतरीन शहर है और मराठी लोगों की एक अजीम निशानी भी है। आपके किन का शुक्रिया इस वीडियो में तक बने रहने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते बेलकन प्रेस कर दें। बहुत जल्दी और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।